क्या आपको पता है बालों से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स का जो रीज़न होता है वो होता है बालों की गंदगी। अगर बाल गंदे रहेंगे तो बालों का हेयर ग्रोथ रुक जाएगा, बाल उलझते हैं, फंसते हैं जिससे हेयर फॉल होता है, और डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए बालों को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हेयर मास्क ज़रूरी है, प्रॉपर ऑयलिंग ज़रूरी है, ऐसे ही शैम्पू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक बहुत अच्छे शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ, और वो शैम्पू है ये सेंट बोटैनिका का प्रो कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल शैम्पू। तो आज मैं इसके ही बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, ये प्लास्टिक का बॉटल है, ऊपर से पंप दिया हुआ है, तो जितना भी अमाउंट आपको चाहिए आप उसको प्रेस करके निकाल सकते हैं। और ये है सेंट बोटैनिका का प्रो कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल शैम्पू स्मूथ थेरेपी, जो कि बालों को इंटेंस रिपेयर करता है, ड्राई डैमेज एंड कलर ट्रीटेड हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। इस साइड इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है और इसको यूज़ कैसे करना है ये सारी बातें बताई हुई हैं। इसका जो क्वांटिटी है वो 300 ml है, और यहाँ पर मेंशन है नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन और नो पैराबेंस। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 699 rupees का है, और अभी आपको आफ्टर डिस्काउंट के बाद काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा। इसका सेल्फ लाइफ 2 years तक का है, तो काफ़ी अच्छी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस शैम्पू के कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स की बात करें तो ये मिलके बना हुआ है कैरेटिन से, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैस्टर ऑयल और स्वीट आमंड ऑयल। ये सारे ऑयल्स होने के कारण ये बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, जिससे कि इसके बालों की ड्राइनेस फ्रीजीनेस कम हो जाती है, और ड्राइनेस फ्रीजीनेस नहीं रहेगी तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की लगते हैं, शाइनी नज़र आते हैं, और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके साथ ही मिलके बना हुआ है आंवला, रीठा, शिकाकाई और जायफल। ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बालों को लंबा घना मजबूत करने में ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें ये चीज़ें भी मिली हुई हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी रीठा शिकाकाई वाले शैम्पू होते हैं, ये हर्ब्स जिन शैम्पू में होते हैं वो बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाते हैं, तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने इसमें कुछ अच्छे अच्छे ऑयल्स मिलाए हुए हैं, जैसे कि बैलेंस बना रहे और बालों से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ। तो अब बात करते हैं इस शैम्पू को लगाना कैसे है। तो जैसे कि नॉर्मली आप शैम्पू लगाते हो वैसे ही इसको भी लगाना है। मैं शैम्पू को डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके लगाती हूँ। आप चाहें तो बालों को गीला कर लीजिए और लगा लीजिए। 2 से 5 मिनट तक अपने फिंगर टिप से मसाज कीजिए और पानी से वॉश कर दीजिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इनका ये जो कंडीशनर आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको आप वीक में 2 से 3 बार यूज़ ज़रूर कीजिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, कलर्ड हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, ड्राई हेयर हैं, डैमेज्ड हेयर हैं, सारे हेयर टाइप वाले लोग इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। ये जो शैम्पू है आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल हर जगह अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेसिंग लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इजीली इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उलझते हैं और अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उनकी शाइन चली गई है, तो आप ये शैम्पू ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे हर्ब से मिलकर बना हुआ है और बालों से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। तो अब भी आप इसको ख़रीदेंगे तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इनके कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इसका शैम्पू और कंडीशनर मिल जाता है। आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।